हफ्ते में एक बार, किस बात की छूट थी? मैम आइसक्रीम चॉकलेट खाने की। चॉकलेट खरीदने की। और वो चॉकलेट चॉकलेट खरीद के क्या किया करती थी? खरीद के रात को बिस्तर पे सोते वक्त आराम से मजे ले लेके रहती थी। ठीक है, दोनों बच्चे जो केशव और श्यामा है, वो उनके सवालों के जवाब कौन देता था? ठीक हम दोनों आपस में एक दूसरे। है, ओके ओके ओके। ध्रुव, नेक्स्ट है मानसी शेखावत। यस मानसी, अनम्यूट हो बेटा। मानसी शेखावत, यस मैम, ए रेडी फॉर टेस्ट? यस मैम। ओके, लेखिका को कौन सी दवा पीनी पड़ती थी बचपन में? हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? जिसके यस द्वारा इंसान अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है उसे भाषा कहते हैं। ओके मानसी, नेक्स्ट प्रश्न है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो लिंग वचन या कारक के कारण अपना अर्थ बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड मानसी। बी में हो ना? ओके, यस मैम। एक प्रश्न हो रहा है आपके लिए, नीले पंखों वाली चिड़िया जल का मोती किस प्रकार ले जाती है? नीले पंखों वाली चिड़िया चड्डी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। यस ओके, अब म्यूट हो जाइए। यस शानवी पारे, अनम्यूट हो आप। शानवी, टेस्ट नहीं हुआ आपका। शानवी पारे, ओके रेडी हो टेस्ट देने के लिए? यस मैम, हम रेडी हैं। यस बेटा रेडी फॉर टेस्ट? मैम, आई एम रेडी फॉर टेस्ट। ओके, पहला प्रश्न आपके लिए, शब्द किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने भी मैम जिससे भाषा बने उन्हें शब्द कहते हैं। यस, फिर से बताना शानवी। मैम जिससे भाषा बने, जैसे कि यानी कोई शब्द बने, जैसे कल तो उन्हें शब्द कहते हैं। मैं केवल शब्द की परिभाषा पूछ रही हूँ, आपको शब्द को डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, केशव और श्यामा के प्रश्नों के उत्तर कौन देता था? मैम दोनों आपस में सवाल जवाब करके दोनों के प्रश्न सुलझा लेते थे। यस लेखक, जो लेखिका है बचपन पाठ वाली, क्या नाम है, महादेव वर्मा, वो उम्र में सयाना अनुभव क्यों करने लगी थी? उनका जन्म कब हुआ था? क्योंकि मैम अच्छा, सयाना क्यों महसूस करने लगी थी बताओ? सयाना, सयाना मीन समझदार। बचपन मैम बड़े होकर या बचपन में? बड़े होने के बाद में मैम उन्हें याद आने लगे कि वो उनके जब वो चश्मा नहीं पहने तो उन्हें अपना चेहरा रूखा रूखा सा लगता था, और उन्हें बचपन के वो रविवार को कैस्टर और ऑलिव ऑयल पीने की याद आने लगी। और बचपन में वो सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े और सॉक्स पहनती थी, पर अब नहीं पहनती, तो इसलिए वो अब बड़े होकर सयाने होने लग गई बचपन के बारे में।
आंसर क्या मानो, सीधा सा आंसर क्या होगा, उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, तो वो उम्र में बड़ी हो गई थी तो अपने आप वो उनको सयाना महसूस होने लगा था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, आपके लिए, बचपन में लेखिका को शनिचरी दवा क्यों पीनी पड़ती थी? जिससे उनकी हड्डियां मसल्स सारे उनके मजबूत रहे, इसलिए वो हर रविवार को पीती थी। यस सर। ओके शालिनी, नेक्स्ट शानवी के बाद में है शुभम गवेंद्र। यस शुभम, अनम्यूट हो आप, शानवी म्यूट हो जाना बेटा। यस शुभम, शुभम वेरी फोर टेस्ट। यस या नो? यस या नो शुभम? यस मैम। ठीक है, चिड़िया किसके खातिर गाती है? घोड़े बन बाबा के खातिर। चिड़िया किसके लिए गाती है? घोड़े बन बाबा के खातिर। ठीक है, चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से। किससे प्यार है? अन्न से। अन्न से। ये शुभम बी सेक्शन मोना। यस मैम। पता ये भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ओके शुभम, नेक्स्ट शुभम म्यूट होके रहना। शुभम के बाद में है अमनदीप। यस अमनदीप, अनम्यूट हो आप। एंड अभिषेक, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करके रखना। अमनदीप वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। ओके, चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग नीला है। ठीक है, लेखिका के पास किन खाने की चीजों का स्टॉक रहता था? लेखिका के पास चॉकलेट और आइसक्रीम का स्टॉक रहता था। ओके, भाषा किसे कहते हैं? हम भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? हम शब्द नहीं पता। ठीक है, इसके बाद में अभिषेक, अभिषेक अनम्यूट हो तुम। अभी यस अभिषेक। यस मैम। ये वीडियो ऑन करो। यस मैम। यस अभी टेस्ट देना है तो वीडियो ऑन करना होगा, मैं टेस्ट नहीं लूंगी। यस मैम। ओके अभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहिए। निशान लगे गिलासों को देखते ही लेखिका को क्या होने लगता था? दवाई के लिए उनको निशान लगे गिलास क्या होने लगता था देखते ही? अच्छा ये बताइए आप, लेखिका के लिए मुश्किल काम क्या था? पाठ बचपन के आधार पे बताना है आपको, लेखिका के लिए मुश्किल क्या काम क्या था? अभिषेक सिक्स ए, मुश्किल काम क्या था? नहीं पता,
बेटा अपने आप क्लास रोज ज्वाइन किया करो, अटेंटिव रहती नहीं हो आप क्लास में। अच्छा ये बताइए हिंदी की कितनी क्लास ज्वाइन की आपने, कितनी अटेंड की है क्लास है? मुश्किल से दो चार करी होगी राइट? अभी गलत है ना ये, हिंदी का वर्क कंप्लीट है आपका, वर्कबुक और ग्रामर दोनों में ओके। अभी इसके बाद में यस, और कोई बच्चे जिनका टेस्ट नहीं हुआ, मैं लाज ही टेस्ट लूंगी आगे, मैं फिर दूसरी क्लास में कोई टेस्ट नहीं लूंगी। यस मिस्टी गंगलानी, मिस्टी वीडियो ऑडियो ऑन करो बेटा। अनम्यूट किया आपको मिस्टी, गुड मॉर्निंग मिस्टी। बेटा आपका टेस्ट नहीं हुआ? मैम यस, मुमल का भी नहीं हुआ एंड मिस्टी यस मैम। रेडी हूँ टेस्ट के लिए? यस मैम। मिस्टी गंगलानी फॉर्म 6B। यस मैम। ओके बताइए भाषा किसे कहते हैं? भाषा भाषा है साथ है जिसे देवनागरी बोलकर लिखकर सुनकर पढ़कर अपने मन की भावना बता सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देवनागरी कहाँ से आ गया भाषा में? बंसी जुड़ रही हो? भाषा वह साथ है जिस बोलकर लिखकर सुनकर और पढ़कर अपने मन के विचार बता सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अच्छा मुमल, मैंने तो मिस्टी को ऑन किया था तो okay, हमारा ओके okay, आपका भी नहीं हुआ, कोई नहीं। अभी आगे बताइए, लेखिका को हफ्ते में किस चीज को खरीदने की छूट थी? लेखिका को किस यस आराम से बताओ। अच्छा ये बताइए लेखिका के लिए कौन सा काम कठिन था? दवाई लेने का। कौन सी दवाई लेने का? कड़वी। किसने लेती थी वो दवाई? वो संडे को तो टारगेट बनने के लिए। ओके नेक्स्ट प्रश्न है, चांद को चांद के घटने बढ़ने को क्या कहा है लेखक ने? चांद को करने बनने की। यस मोमल आपका काम कंप्लीट है बेटा, वर्कबुक में पूरे चैप्टर कंप्लीट है? यस मैम। फिर लर्न क्यों नहीं किया आपने? जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ उस टाइम कम से कम, यानी मैंने दो बार तो सबका रिवीजन करवाया ही है, उसके बाद में भी मैं इतने क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आप लोगों को लर्न करने की जरूरत होती नहीं है, लर्न अपने आप हो जाता है। पूछती हूँ कि नहीं? यस मैम। मुमल फिर से आप लर्न कर लेना अच्छे से, पार्ट चैप्टर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं हिंदी में बीच में से। ठीक है मैम। यस इसके बाद में और कोई बचा हुआ है? ओके हो गया सब। मिस्टी ओके मिस्टी अनम्यूट हो आप, पूरी वीडियो दोनों ऑन करो। मिस्टी गंगलानी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मिस्टी वर्ण किसे कहते हैं?
सफल को मन कहते हैं जिसके और टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वेरी गुड। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अयोगवाह वर्ण चलिए बताइए, चांद की पोशाक किसे कहा है? चांद की पोशाक आकाश जल तारों को गया है। दोनों बच्चे कार्निस के सामने क्यों पहुंच जाते थे, केशव और श्यामा? दोनों बच्चे कार्निस के सामने इसलिए पहुंच जाते थे क्योंकि उन्हें चिड़ियों के अंडे को देखने के लिए दोनों बच्चे कार्निस के आगे पहुंच जाते थे। ओके मिस्टी, म्यूट हो जाइए आप। यस, आई थिंक सभी का ओरल टेस्ट हो चुका है, 6A and B। ओके ठीक है नाउ। ओके, गुड मॉर्निंग अक्षी मैम। यस अक्षी मैम।